previous video, I have discussed about dusting powders. In this video, I am going to discuss about effervescent. Effervescent, आपने अगर इनो पिया होगा या डिस्प्रिन देखा होगा, तो आपको जरूर पता होगा कि effervescent granules क्या है. क्योंकि इनो ही एक तरह का effervescent granules है और डिस्प्रिन एक तरह का effervescent tablet है. Effervescent granules are the specially prepared solid dosage form of medicament meant for internal use. Effervescent granule एक खास तरह से बनाया हुआ solid dosage form है जो कि internal use के लिए उद्देश्य से उपयोग किया जाता है. आपने pharmaceutics के practical में effervescent granules जरूर बनाया होगा. They contain a medicament mixed with citric acid, tartaric acid and sodium carbonate. ये composition आप बिल्कुल याद रखिएगा. ये वाइवा में definitely पूछा जाने वाला question है. Sometimes saccharine or sucrose may be added as a sweetening agent. और जितने भी आप medicament use कर रहे हैं उनका उपयोग क्या है, जितने भी excipient use करेंगे उनका use क्या है आपको याद रखना है. जैसे यहाँ पे जो sweetening agent है वो sucrose है. Before administration, the desired quantity is dissolved in water. The acid and bicarbonate react together, producing effervescent. लेने से पहले इसको हम water में dissolve करते हैं. Then acid और bicarbonate, citric acid और bicarbonate की reaction से, tartaric acid की reaction से effervescence का निर्माण होता है. Effervescence मतलब bubbles. The carbonate water produced from the release of carbon dioxide serves to mask the bitter and saline taste of drug. जो carbonated water है वो carbon dioxide के release होने से बनता है, जो कि saline taste को और कड़वे taste को medicaments के mask करता है. Carbon dioxide stimulates the flow of gastric juice and helps in absorption of medicament. Carbon dioxide gastric juice के flow को stimulate करता है और absorption, drug के absorption को बढ़ाता है. Method of preparation. देखिए, जिस ये जो carbon dioxide है वो gastric juice के flow को बढ़ा देता है तो absorption बढ़ता है. इसीलिए आप जब इनो पीते हैं तो तुरंत आपको राहत मिलती है एसिडिटी से. डिस्प्रिन लेते हैं तो तुरंत आपको सरदर्द से राहत मिल जाती है. देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इफोवेसेंट ग्रेन्यूल्स. फर्स्ट इज हीट मेथड एंड वेट मेथड. हीट मेथड आपने देखा ही होगा जब आपने लैब में इफोवेसेंट ग्रेन्यूल्स बनाया होगा. तो हीट मेथड कुछ इस तरह से है. अ लार्ज पुरुसलिन डिस्क, एक कटोरी जैसा होता है जिसको चाइना डिस्क भी कहते हैं, evaporating dish is placed over the boiling water bath. The dish must be sufficiently hot before transferring the powder into it to ensure liberation of the water of the crystallization from the citric acid. सबसे पहले आप porcelain dish को गर्म करेंगे वो boiling water bath पे, उसको पूरा तरह से dry करेंगे. Then आप उसमें citric acid डालेंगे और उस जिससे जो citric acid में water है वो बाहर निकल जाता है. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो बाहर निकल जाता है और वो पूरी तरह से ड्राई हो जाता है. इफ हीट ऑफ डिश इज डिलेड, द पाउडर व्हिच इज एडेड टू इट हीट अप स्लोली एंड द लिबरेटेड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल गो ऑन इवेपोरेटिंग साइमल्टेनियसली. एज अ रिजल्ट सफिशिएंटली वाटर विल नॉट बी एबल टू मेक अ कोहेरेंट मास. जो ये सब जो हम लोग करते हैं वो एक कोहेरेंट मास बनाने के लिए करते हैं. मतलब कि एक आटे जैसा मटेरियल बनता है जब आप टार्ट्रिक एसिड को हॉट हीट करेंगे, तो वही बनाने के लिए आपको पहले इवेपोरेटिंग डिश को गर्म करना होता है. जब वो काफ़ी गर्म हो जाता है फिर उसमें हम सिट्रिक एसिड डालेंगे जिससे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कोहेरेंट मास में उसे सिट्रिक एसिड पाउडर को मास में कन्वर्ट कर देता है. एज दीज द वाटर नीडेड फॉर ग्रैनुलेशन इज प्रोवाइडेड फ्रॉम टू सोर्सेज, from water of crystallization of citric acid. The citric acid contains one molecule of water of crystallization which is liberated during heating. The water produced from reaction of citric acid and tartaric acid with sodium bicarbonate. ये जो आप reaction देख रहे हैं वो definitely आपसे external के द्वारा पूछा जाता है अगर आपको ये वाला practical करने के वो मिलेगा तो.
और एग्जाम में भी इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहाँ कहाँ से आता है। हीट मेथड में आगे देखते हैं, जनरली हीटिंग स्टेज टेक्स 1 to 5 मिनट्स। द डैम्प मास इज द देन पास्ड थ्रू अ सीव टू प्रिपेयर द ग्रेन्यूल्स ऑफ सुटेबल साइज, ड्राइड इन एन ओवन ऑफ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 60 डिग्री सेल्सियस एंड देन पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर। तो आप उसको सीव से पास कीजिए, जो डैम्प मास आप बनाए हों उसे, देन उसको आप सीव से पास करने के बाद ओवन पे, हीट ओवन पे रखेंगे, 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। फिर जब ग्रैन्यूल्स बन जाए तो उसे आप एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख दीजिए। लॉस ऑफ वेट अकर्स ड्यूरिंग ग्रैन्यूलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ इवेपरेशन फ्रॉम द डैम्प मिक्सचर, क्योंकि वाटर होता है उसमें, तो वाटर जब निकल जाएगा तो उसका जो वेट है वो घट जाता है। लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड तो जो वेट है वो और घट जाएगा। दीज लॉसेज कंस्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली 1/7 ऑफ द वेट ऑफ पाउडर यूज एंड मस्ट बी टेकन इन टू कंसिडरेशन वाइल कैलकुलेटिंग द क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन्यूल्स टू बी प्रिपेयर्ड। और ये जो आप ये बताई ना अभी दो पॉइंट, ये कि वाटर का लॉस क्यों होता है, मतलब वेट का लॉस क्यों होता है, तो ये रीज़न भी आपको याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कभी कभी, फिल इन द ब्लैंक में देते हैं कभी कभी, वाइवा में भी पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वेट मेथड, सेकेंड है वेट मेथड। इन दिस मेथड द मिक्सड इंग्रेडिएंट्स आर मॉइस्टेंड विथ अ नॉन एक्वियस लिक्विड, एग्जांपल अल्कोहल, टू प्रिपेयर अ कोहेरेंट मास विच इज देन पास्ड थ्रू अ नंबर 8 सीव एंड ड्राइड इन एन ओवन एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 60 डिग्री सेल्सियस। डिस्पेंस 30 ग्राम ऑफ इफर्वेसेंट साइट्रो टार्ट्रेट ऑफ सोडा containing 5% of iron and ammonium citrate, sodium bicarbonate in powder form, tartaric acid in also in powder form, citric acid, refined sugar and iron and ammonium citrate. सब का effervescent granules बनाइए। Direction इसको use करने के लिए है 1 teaspoon to be taken in water bath each meal. अब भोजन करने के बाद उसको 1 चम्मच 1 teaspoon लेना होता है water के साथ। Method, mix the ingredient in ascending order of weight. Place all the powders in hot china disc on a boiling water bath. Press with spatula until the coherent mass is produced. Pass the damp mass through sieve number 8 prepared, superposed upon number 20 and dry the granules, finely powder. Sieve number 8 है मतलब कि इसका जो sieve size है वो ज़्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू सीव नंबर 20, इसलिए सीव नंबर 20 के ऊपर आप सीव नंबर 8 रखेंगे, जिससे आपको एकदम फाइन पार्टिकल्स प्राप्त होंगे। फाइनली पाउडर द आयरन एंड अमोनियम सिट्रेट एंड मिक्स विथ ड्राइड ग्रेन्यूल्स। अब जो अमोनियम एंड आयरन सिट्रेट है, आयरन एंड अमोनियम सिट्रेट है, उसको आप फाइनली पाउडर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ड्राई सूखे हुए ग्रेन्यूल्स में मिला देंगे। ट्रांसफर द ग्रेन्यूल्स इन टू अ वाइड माउथ बॉटल एंड सेपरेटली रैप्ड इन वॉट डबल पाउडर पेपर एंड लेबल्ड। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड हियर इज अ कोट, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ पे कुछ करने की इच्छा होती है वहाँ पे रास्ता खुद ही निकल जाता है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माई वीडियोज एंड शेयर माई वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स एंड हेल्प देम टू। Thank you so much.